बिजनेस एनवायरनमेंट इम्पोर्टेंस में एडेप्टेशन आता है। इसका थेरोटिकली डेफिनेशन है कि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस टाइम टू टाइम और अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड में, या जैसे क्लोथिंग इंडस्ट्रीज ले लो, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंड्स, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स, टी शर्ट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग, ये कंटिन्यूस चेंज है। पीरियड ऑफ टाइम में जैसे कि कार्स मैन्युफैक्चर से एक पीरियड 10 साल के बाद में थोड़ा सा एक अच्छा सा डेवलपमेंट आता है। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको समझना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट में मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है और इसमें हम क्या बेहतर कर सकते हैं। जैसे कैजन टेक्नोलॉजी है, टोयोटा ने इम्प्लीमेंट की थी। कैजन का मतलब होता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो कंटिन्यूस रोज़ इम्प्रूवमेंट करते करते एक टाइम ऐसा स्पेसिफिक आ जाता है, पीरियड ऑफ टाइम विद इन अ 1 ईयर, 2 ईयर और 5 ईयर्स ऑफ ड्यूरेशन कंपनी कैन प्रिपेयर अ न्यू मॉडल। तो और बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस नीड्स टू बी मॉनिटर। हमें बिजनेस पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में हमारे कंपटीटर्स ने कौन से मशीनरीज यूज़ करके कौन सा प्रोडक्ट डेवलप किया है, उसकी रिलायबिलिटी क्या है, ये सब मॉनिटर कर देख के हमारे प्रोडक्ट को भी हमें डेवलप करना पड़ता है। बाद में रिसोर्स एलोकेशन, एलोकेटिंग प्रॉपर रिसोर्स। जो हमारा रिसोर्स होता है अगर वो प्रॉपर रहा तो हम रिसोर्स प्रॉपरली एलोकेट कर सकते हैं ताकि हमें आउटपुट उसका अच्छा मिले। नॉलेज ऑफ बिजनेस हेल्प्स कंपनीज टू एलोकेट। अगर कंपनी में का नॉलेज अच्छा रहा प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, किसकी फंक्शनैलिटी कैसी है, ह्यूमन रिसोर्स ने अगर उसको बारीकी से उसका रिज्यूम मॉनिटर किया और उनके के की पॉइंट्स, फैक्टर्स और स्ट्रेंथ देखकर प्रॉपरली रिसोर्स एलोकेट किए, तो डेफिनेटली कंपनी को जो प्रोडक्ट डेवलप करना है और मार्केट में सस्टेन करना है वो काफ़ी आसान होता है। सो रिसोर्स एलोकेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नाउ मार्केट एंट्री। मार्केट एंट्री, लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट मस्ट बी एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट, पर्टिकुलर रीजन और इंडस्ट्री। मार्केट रिसर्च शुड बी डन। अब मार्केट रिसर्च क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हमें कोई शॉप ओपन करना है तो हम मार्केट का एनालाइज करेंगे, या कौन सी कम्युनिटी रहती है तो हमें कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स रखना है। जैसे किराना शॉप का एग्जाम्पल ले लो, सो विच कम्युनिटीज विल बी देयर, सो व्हाट प्रोडक्ट शुड बी रिक्वायर्ड, देन हाउ मेनी पीपल और फुटप्रिंट्स विल बी देयर एट दैट शॉप। और फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू ओपन अ शोरूम फॉर अ बाइक सच एज रॉयल एनफील्ड और हीरो, सो विच विल बी द फिजिबल लोकेशन, इट विल बी नियर बाय मार्केट, माई सर्विस सेंटर शुड बी अवेलेबल नियर बाय, सो दैट आफ्टर सेल आई शुड गेट अ सर्विस ऑल्सो, मीन्स आई कैन अर्न फ्रॉम द सर्विस। सो दीज आर द मार्केट एंट्री वेर वी डू सम सॉर्ट ऑफ द रिसर्च। नाउ रेपुटेशन मैनेजमेंट। रेपुटेशन मैनेजमेंट, जो हम प्रोडक्ट हम मार्केट में लॉन्च करते हैं और मार्केट में अगर वो प्रोडक्ट चल जाता है और अगर उसका अच्छा डिमांड है मार्केट में, तो वी शुड हैव मेंटेन द क्वालिटी सो दैट इट शुड सस्टेन अ लॉन्ग टाइम। ये नहीं कि स्टार्ट में अच्छी क्वालिटी में बेच दें देन फॉर मोर मार्जिन वी आर यूजिंग अ लोअर क्वालिटी ऑफ द मटेरियल। सो बिजनेस एनवायरनमेंट ऑल्सो एनकास्ट द सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स दैट कैन इम्पैक्ट ऑन अ कंपनी रिपुटेशन। बींग सेंसिटिव दिस फैक्टर इज एसेंशियल मेंटेनिंग द पॉजिटिव इमेज। पॉजिटिव इमेज मेंटेन करना बोले तो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। देन सोशल और कल्चरल फैक्टर्स को भी ध्यान रखना चाहिए, कंपनी का मिशन क्या है, कल्चरल फैक्टर्स क्या है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ बजाज। सो वॉट बजाज इज डूइंग इज वेन बजाज हैज सस्टेन्ड इन द मार्केट एंड हैज़ अ रिप्यूटेशन इन द मार्केट, दे हैव डन सम सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज दैट दे हैव इन्वेस्टेड इन द गवर्नमेंट इन घाटी एंड देन दे हैव प्लेस्ड अ 12-story बिल्डिंग फॉर चिल्ड्रन एंड हेल्थ केयर। सो दीज टाइप्स ऑफ रिप्यूटेशंस ऑल्सो कैन बी डन बाय द कंपनी टू सस्टेन द इमेज। देन ग्लोबलाइजेशन। इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन बिजनेस ऑफन ऑपरेट मल्टीपल कंट्रीज। अब जब ग्लोबलाइजेशन हो गया तो सबको लाइसेंस मिल गया कि बाहर की कंपनी आके इंडिया में प्रोडक्ट बेच सकती है, इंडिया की कंपनी जाके बाहर प्रोडक्ट बेच सकती है। तो हमको अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट इज एसेंशियल फॉर द इंटरनेशनल एक्सपांशन। बाहर क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, व्हाट विल द प्राइस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इन इफ आई वांट टू सेल सम प्रोडक्ट
फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ चाइना. सो चाइना इज़ अ डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री एंड देर आर वेरी एडवांस इन इलेक्ट्रॉनिक्स. सो वॉट एप्पल कंपनी और सैमसंग डज इज दे पुट अ प्लांट इन चाइना वेर दे मैनुफैक्चर देयर प्रोडक्ट्स. सो वॉट विल हैपन इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल बी लेस बिकॉज द मैनफोर्स इज अवेलेबल इन अ वेरी लेस क्वान्टिटी सॉरी इन अ मेजर क्वान्टिटी एंड द प्राइज विल बी वेरी लेस. सो द कॉस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज़ वेरी लेस. सो दे कैन ब्रिंग द न्यू टेक्नोलॉजी इन द मार्केट एट अ लेसर प्राइज. सो द बेनिफिट विल बी देर विल बी अ कॉम्पिटिशन टू ओवरकम द कॉम्पिटिशन एंड मैक्सिमम सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट. सो अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल बिजनेस रिक्वायरमेंट इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल इंटरनेशनल एक्सपांशन. नाउ द नेक्स्ट वन इज बिजनेस एनवायरमेंट. सो वॉट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट. फर्स्ट वन इज डायनेमिक, सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स, थर्ड इज अनसर्टन, फोर्थ इज मल्टीफेस्टेड, फिफ्थ इज फार रीचिंग इम्पैक्ट एंड सिक्स्थ इज रिलेटिव. सो डायनेमिक एनवायरमेंट इन विच द बिजनेस ऑपरेट कंटिन्यूसली विथ बिकॉज देर इज अ वाइड वराइटी ऑफ फैक्टर दैट एग्जिस्ट इन द एनवायरमेंट कॉजिंग इट टू चेंज इट शेप्स एंड कैरेक्टर. डायनेमिक एनवायरमेंट जो बिजनेस हमारा ऑपरेट होता है कंटिन्यूसली तो उसमें वराइटी ऑफ फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं. एनवायरमेंट करता है, फिल्म्स करती हैं, सुपरस्टार्स करते हैं. तो वो चीज़ में क्या होता है कि उसका जो प्रोडक्ट का डिमांड है उसका शेप साइज और कैरेक्टर कंटिन्यूसली चेंज होता है तो उसे कहते हैं हम डायनेमिक बिजनेस. कॉम्प्लेक्स, देर आर मेनी फोर्सेस इवेंट्स कंडीशंस दैट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस एनवायरमेंट अराइजिंग फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज. सो इट बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ द पर्टिकुलर फैक्टर. कॉम्प्लेक्स में क्या होता है बहुत सारे फोर्सेस हो जाते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारा कॉम्पिटिशन हो जाता है और हमारे कुछ अलग प्रोडक्ट होते हैं. मार्केट की रिक्वायरमेंट समझने के लिए हमें इतना टाइम लगता है तब तक वो न्यू ट्रेंड आ जाता है. तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ की वजह से क्या होता है कि वो ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है एक ऑर्गेनाइजेशन और एक कंपनी से और वो उनको समझने में बहुत देर हो जाती है क्योंकि बहुत सारा उसमें इन्फ्लुएंस और कॉम्प्लेक्सिटी इतनी होती है कि ये मार्केट में जैसे क्लोथिंग इंडस्ट्रीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी शर्ट, सॉफ्ट क्लोथिंग रहता है, हार्ड क्लोथिंग रहता है. तो मार्केट का करंट रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करने को या मार्केट का ट्रेंड अंडरस्टैंड करने को काफ़ी टाइम लग जाता है, इतना कॉम्प्लेक्स होता है. और तब तक कंपटीटर्स के बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च हो जाते हैं तो उसमें एक कॉम्प्लेक्सिटीज़ के वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन को एक पर्टिकुलर ऑपरेशन करने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है. अनसर्टिनिटी एक बिजनेस में एक है कि हम फ्यूचर में अगर हमने एक कंपनी है उसने कोई बिजनेस लॉन्च किया है तो उससे उसको फ्यूचर फोरकास्ट कर सकते लेकिन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो 100% सक्सेसफुल होंगे. जैसे कोविड के पहले बहुत सारे लोगों ने इंडस्ट्रीज लॉन्च की थी एंड दे वर नॉट अवेयर ऑफ द कोविड एंड सम ऑफ द पीपल हु हैव लॉन्च द प्रोडक्ट दैट विल बी यूज्ड इन द कोविड पीरियड. सो व्हाट हैपेंड सम पीपल वेर नॉट एबल टू सस्टेन एंड सम पीपल वेर एबल टू जनरेट अ ह्यूज मार्जिन. सो वी डोंट नो वॉट विल हैपन आफ्टर स्टार्टिंग द बिजनेस. सो देर विल बी ऑलवेज अनसर्टनिटी इन द बिजनेस. नाउ मल्टीफैक्टेड अ सिंगल चेंज इन द बिजनेस एनवायरमेंट कैन व्यू डिफरेंटली बाय डिफरेंट ऑब्जर्वेशन बिकॉज ऑफ देयर परसेप्शंस. अब गूगल ने एक ऐड बनाया था मल्टीफैक्टेड. इसमें एक ऐड बनाया था कि दो लोग दोस्त रहते जो 1947 के इंडिया पार्टीशन में सेपरेट हो जाते हैं एंड वन यूज टू आस्क हिम दैट आई डिस्कस इन द होम. वन फेलो यूज टू डिस्कस इन द होम दैट ही इज़ मिसिंग हिज फ्रेंड एंड ही यूज टू हैव सम स्वीट्स. सो टेकिंग इन टू द कंसिडरेशन गूगल हैज़ डेवलप वन ऐड दैट यू कैन फाइंड द पीपल हु हैव बीन सेपरेटेड इन 1947 पार्टीशन विद द हेल्प ऑफ द गूगल. सो देन the ad was major hit. So the ad which has been multifaceted joining the communities which has a positive attitude, so this type of ads has a different impact on the observer.